अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। मैं आपको जहां नजर आ रही हूं, इस मोहल्ले का नाम है कादिराबाद और थाना मानावाला की हदूद में ये मोहल्ला आता है। मेरी दाई साइड पर लकड़ी का दरवाजा आपको नजर आ रहा है और इस घर में दफन किया गया, गढ़ा खोदा गया, जिसके अंदर एक लड़की जिसका नाम जकिया है, उसको कत्ल करके इस गढ़े में उसके सगे बाप ने दबोच लिया। मैं बिल्कुल भी ये लफ्ज इख्तियार नहीं करूंगी, लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी कि कब्र में डाला गया। ना ये कब्र है, ना ये कब्रस्तान है, ये एक कच्चा घर है और इस घर के अंदर बेटी को किरदार पर, शक पर उसको जिबा किया, गढ़ा खोदा और बीच में फेंक दिया गया। मनो मिट्टी डाली गई और आसान से जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। मैं चलूंगी अंदर और आपको सब कुछ दिखाऊंगी। ये जनाब, हम घर में आ चुके हैं और इस घर के अंदर चलते हैं मजीद अंदर, जहां पर ये गढ़ा खोदा गया था, और फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। खोले, आप खोलेंगे। जनाब, ये है वो जगह जहां पर उस लड़की की लाश को, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, यहाँ पर इस कदर स्मेल है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही। ये गढ़ा दिखाइए जी, जहाँ पर लड़की की लाश को फेंका गया, कत्ल किया गया, मारा गया, जिबा किया, और करने वाला कोई गैर नहीं, उसका सगा बाप है। सिफाक मुलजिम की बहन मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जो कि जकिया की रिश्ते में लगती है फूफो। क्या नाम है? मुसरत। मुसरत, मुसरत क्या हुआ जकिया के साथ? मैनू नहीं पता है, मेरा से अपना बेटा बीमार से आपके भाई और भाभी की तलाक क्यों हुई? तलाक उन्हें अपनी मर्जी ना ली, नहीं नहीं, बच्चियां छड़ के चली गई सी। क्या वजह? शौहर से क्या मसाइल थे? शौहर से क्या मसाइल? ओदा कोई कसूर नहीं, होने भी ते आज भी मैं किसी दी कब्र च नहीं वड़ी। उसका कसूर नहीं है? नहीं। आपके भाई का कसूर है? नहीं नहीं, भाई दा नहीं कसूर, ओ उठे ही आगी सी, कहंदी मैं रहना ही उठे ही। की वजह है? ए उन्होंने बाजी मारदा सी, कुटदा सी? मारदा कुटदा भी कोई नहीं सी, कोई ना कुछ भी नहीं सी। दा जकिया कैसी लड़की थी? क्या नाम है? मेरा नाम अतिया। अतिया जी। अतिया, जकिया आपसे छोटी थी या बड़ी? नहीं, मुझसे छोटी थी। आपसे छोटी थी, आप क्या करती हो? मेरी शादी हुई है, मैं अपने घर में होती हूँ। अभी यहाँ पे कैसे आई हो? जी, मुझे ये एक दिन, जिस दिन उसका वाकया और मेरे पापा को पता चला, पुप्पो को पता चला, उस दिन मैं आई हूँ। उस दिन आई हो? जी हाँ। जकिया कैसी बहन थी? अच्छी थी, काम करती थी, पापा के साथ ही रहती थी। पापा के साथ रहती थी? जी हाँ। जकिया, उठना बैठना कैसा था उसका? मैं फिलहाल यहाँ पे कम ही आती थी, क्योंकि मेरे घर में जो है ना, मेरे ससुराल वाले, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी सकिया। हाँ। बेटा, सकी बहन थी? जी हाँ। बचपन इकट्ठे गुजरा? जी हाँ। इकट्ठे सोते हो गए? जी हाँ। इकट्ठे खाते हो गए? बिल्कुल। फिर वो बता दो मुझे, सकिया कैसी थी? मैं कह तो रही हूँ, वो अच्छी थी, बुरी नहीं थी, ठीक है, लेकिन 5 सालों में वो हमारी जो मम्मा है ना, वो हमें छोड़ के चली गई थी। छोटी छोटी थी, मेरे फूफो ने हमें पाला, मेरे फूफो ने मैरिज मेरी की है। अच्छा, ठीक है, वो हमें छोड़ के तो चली गई थी। जकिया को कैसे मारा है? जकिया को ये हमें नहीं पता, क्योंकि मैं पूरे 1 साल के बाद यहाँ आई हूँ, वो भी मेरे फूफो के बेटे का खत्म था, मैं तब आई थी, मैंने तब अपने पापा से पूछा था कि मेरी बहन नहीं आई, वो किधर है? उसने कहा मैंने उसकी शादी कर दी है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो इसलिए नहीं आई है। आपने पूछा नहीं कहाँ शादी की है? हमने नहीं बुलाया। हमने पूछा है, उसने कहा मैंने उसकी शादी लाहौर की है,
वो क्या कहते हैं, मेरे पापा ने कहा कि रावी मैंने शादी उसकी की है, ना कोई आए तो ना कोई जाए। अच्छा। ऐसे हमें कहा करता था। मैं भी रोई भी, मैंने बार बार पूछा, मेरे कजनों ने सब ने हमने पूछा। अब जकिया को आपके इस कमरे के साथ वाले कमरे में, जिसके दरवाजे पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा बेटा, मैं वहाँ से होकर आई हूँ, इस कदर स्मेल है बेटा, मेरी बात पूरी सुन लो तसल्ली से, अब्बू ने कब्र में आके नहीं बचाना, बिल्कुल ना यहाँ से किसी बंदे ने बचाना है, नहीं, वाहिद सच झूठ किरदार ने बचाना है, बिल्कुल अल्लाह को मुंह दिखाना है, बिल्कुल सब ने, मैंने भी आपने भी, बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। उस कमरे के बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इस कदर स्मेल है, आ रही है ना स्मेल, बिल्कुल आ रही है, गढ़ा खोदा हुआ और उसके अंदर आपकी बहन थी, पुलिस ने ट्रेस कर लिया। मैं बता, आपके वालिद ने सारा कुछ बता दिया मुझे, क्या हकीकत है क्या नहीं, अब क्या करना है? जो उसकी सजा है वो तो उसे मिलेगी। दुख हुआ बहन का? दुख हुआ, कलिया काटा है, ठीक है, वो मेरी सिस्टर, मेरी सक्की बहन है, कोई मतलब ही नहीं, को मां के पेट से पैदा हुआ है, लेकिन अबू ने बहुत जुल्म किया, ठीक है, लेकिन जालमा की सजा जड़ी होंगी है ना, उन्हें वही मिलनी चाहिए है। मेरी भैन बेगुनाह मारी है, उनका कुछ जुर्म होंगे, मैं उनकी वड्डी भैन से, उनका भाई से, पुप्पो से, पुप्पर से, सानू दसदा, सानू पता होंदा, यहाँ पे उन्हें टक लेंदे, प्यो ने तू आ करकता करनी, तू खलो जा, ठीक है, लेकिन अबू ने साडे तक गल जान ही नहीं दी है, मेरे नाल उन्होंने लड़ाई हुई, बिना बताओ बेचारी पे, जब सामने बैठ के देख रही है कि इसके अंदर मुझे इन्होंने फेंकना है, गला काटना है मेरा, सब देख रही थी बैठी वो, क्या बीती होगी जकिया पे? ये तो उसको पता है जो मैं, ये हमें इस बात का क्या अंदाजा, जी अगर जो मेरे पापा पास में होते तो शायद ये काम कभी ना होता। लेकिन आपके वालिद कहते हैं, तहकीक ये कहती है कि आपकी फूफी ने साथ मिलकर कराया। वो मेरी दूसरी फूफा, दूसरी फूफो, दूसरी फूफो की बात कर, क्या नाम है उस फूफो का? उसका नाम मकबूला। मकबूला ने साथ मिलकर कराया जी हाँ, गलत किया है ना? ले वो फूफो थोड़ी है, वो डैन है, जिसको डैन बोलते हैं ना, वो है, वो फूफो थोड़ी है हमारी, ये हमारी फूफो, इसी ने मेरी मैरिज की है, ये मेरे पास आती जाती थी, मेरे घर में आना जाना, ईद वगैरह मुझे दे के आना, मेरी बेटियों का भी ख्याल रखना, मेरा, मेरे हस्बैंड का। जब पुलिस ने गढ़ा खोदा है तब देखा था सकिया को? नहीं, मैं पास ही नहीं थी, मैं उसके बाद मुझे जाके मेरा कजन लेके आया है। आप आ जाए जरा, आ जाए, आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? महबूब जी। महबूब, आप क्या लगते है? जकिया का सकत आया। ओए होए होए, बड़ा ज़ुल्म किया। फलक आपका भाई है? सारा पुत्रेरे चाचा ताए दे पुत्र है। अच्छा, कजन्स हैं। चलो मुंह बोले भाई। मेरा जवान पुत्र से बीमार से हां, उन्हें असली लेके टूरे बत्ते हैं। अच्छा, किन्नू? अपने बेटे नु, ठीक है। मेरा बेटा फौत हो गया, बेटा मेरा फौत हो गया, बड़ा बीमार थी, दवाइयां लेंदे बत्ते किते नहीं। एक मिनट जरा चुप कर जाओ ना, किते नहीं, एक बंदा गल करे। ओनु फैज होया, तेरी अल्लाह नु प्यारा हो गया, इन्नु पूछा फलकिया, मैं कह कुड़ी किथे, ना मरे ते आई है, ना साते ते आई है, ना चलसमे ते आई है, अगे मैं पक्की पक्की ब्याह दी है, अखीरी सानू शक पै गया, असी सारा पूछा, दसा मेरा दिल की तबीयत, मैं छुट्टी पाना वा कतल कर दी। उस साधक ने पूछा, उस आख्या कौन कौन जे, उस आख्या कि मेरी भैन एक बनवैया है, मकबूला उनका नाम, उनके बंदे का नाम सोना। ज़किया कैसी बच्ची थी? अच्छी बच्ची जी, बहुत अच्छी बच्ची, अच्छी सी, कमा के देंदी आई, कमाउंदी आई, कमा के छुट्टियां ले आउंदी, ने अपना खांदियां, अपना पींदियां, ते ता पिंजा, ते उस बंदे अगे से सारी गल मान ले। उस फिर ये पूछा, तेरे नाल कौन कौन है? उस आख्या जी असीं तिन्ने ही हैं, साला भी बनवाइया ते मेरी भैन मेरे नाल, होर कोई बंदा। जब गढ़ा खोदा है, जब ज़किया, और कोई बंदा नहीं। लाश को बाहर निकाला है, हड्डियों को बाहर निकाला है, देखा आपने? हाँ जी। क्या हालत थी? बहुत हालत, हड्डियां ही हड्डियां रहे, हड्डियां हड्डियां, जालम हो गया कुड़िया, जालम हो गया, की लाया गया कुड़िया, कुछ नहीं, कुछ नहीं लाया गया, आप भी पता लग गया, और चलो जिवे हो गए थे, तू मारा लगा तेरे दिल नु कुछ नहीं होया। बिल्कुल बिल्कुल, वो किवें तड़पती उसकी थी? बिल्कुल, असि ओनू दसा आखिरी तला हो गई थाने ते,
पट्टी।